अरुण इन्वेस्टेड 10,000 फॉर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 20% पर एनम. इफ इन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली एंड इन सेकेंड ईयर इट वॉज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, देन फाइंड द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अरुण इन 3 years. देखो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000. तो फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 20% पर एनम है. तो फर्स्ट ईयर में तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वही कंपाउंड इंटरेस्ट. तो 20% बोले तो 1/5, दैट इंप्लाई यहां से कितना इंटरेस्ट आएगा? 2000. तो फर्स्ट ईयर के बाद प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों 12,000. नाउ अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? वो हो जाएगा 10%. और जो टाइम पीरियड है ना वो 2 years जैसा बिहेव करेगा, इसलिए कि अब जो ईयर है वो 6 month और 6 month का हो गया है. तो आप टाइम को हाफ करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा? हाफ. तो 12,000 का 10% कितना होगा? वो होगा बच्चे 1200. 10% 1200 है तो 20% कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों सिंपली 2400. और साथ में ऐड करोगे 1%, तो इसका 1% कितना है? 120. तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा आपका 2520. तो यहां से आप 2520 और ऐड कर दो. नाउ थर्ड ईयर के केस में टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 12,000 तो स्थाई और साथ में 2520 और ऐड कर दिया आपने, तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 14,520 रुपीज. ये क्लियर? नाउ इस पे थर्ड ईयर पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? वो फिर से एनुअल है तो 20% आप इंटरेस्ट ऐड कर दो. तो इसका 20% कितना होगा? सिंपली 1/5, बोले तो 14520 × 1/5. इसको डिवाइड करोगे तो 5 से कितना आएगा? 5 से डिवाइड करोगे तो 2904. तो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा इन सभी का सम? तो 2000 और 2000, ये 6000 तो होगा ही होगा. और साथ में कितना होगा? 900 और 500, तो 1400 और 20 + 4 = 24. तो ये हो जाएगा बच्चों 7424. सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. ये क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स.